अदिति पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लद्दाख के दौरे पर हैं। पिछले 8 दिनों से वो बाइक पर लद्दाख के कोने कोने जा रहे हैं। 8 दिन के दौरे के बाद अपने दौरे के आखिरी दिन वो कारगिल पहुंचे, जहां उन्होंने वहां की जनता को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 25 अगस्त को कारगिल में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को लेकर उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में खत्म हुई, देश में भाईचारा मोहब्बत फैलाने की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा का संदेश था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। यात्रा श्रीनगर में नहीं रुकनी थी, यात्रा को लद्दाख आना था। उस समय बर्फ और सर्दी थी तो प्रशासन ने मना किया, हमने उनकी बात मान ली। मेरे दिल में था कि लद्दाख में भी वो यात्रा चलनी चाहिए। हमने छोटा सा कदम लिया, पैदल नहीं गए लेकिन मोटरसाइकिल पर निकले। मैं लद्दाख के कोने कोने में गया, सब लोगों से बातचीत की और आपके दिल में जो है उस बात को समझने की कोशिश की। दूसरे नेता मन की बात करते हैं, मुझे लगा मैं आपके मन की बात सुनता हूँ। कांग्रेस और गांधी जी की विचारधारा लद्दाख के खून और डीएनए में है। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ आने पर उन्हें लोगों ने बताया कि चीन ने भारत की जमीन छीनी है। लोगों ने मुझे बताया कि चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन छीनी है। दुख की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी ने एक भी इंच जमीन नहीं ली है। लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने भारत की जमीन छीनी है। जब भी भारत को आपकी जरूरत पड़ी, जब भी बॉर्डर पर युद्ध हुआ, तो कारगिल के लोग हिंदुस्तान के लिए हमेशा खड़े रहे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारे लिए सब लोग एक हैं। सबको इज्जत और मोहब्बत से रहना चाहिए। मैं लद्दाख के चारों ओर घूमा हूँ, ये हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत जगह है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। कारगिल में राहुल गांधी ने दावा किया था कि हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन चीन ने छीनी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में विपक्ष के साथ बैठकर झूठ बोला है। लद्दाख दौरे के तहत कारगिल पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख एक रणनीति की जगह है। एक बात साफ है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन ली है, हजारों किलोमीटर जमीन चीन ने हमसे छीनी है। दुख की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ने विपक्ष की बैठक में कहा कि हिंदुस्तान का एक भी इंच किसी ने नहीं लिया है। ये सरकार झूठी है। लद्दाख का हर व्यक्ति ये बात जानता है कि लद्दाख की जमीन चीन ने ली है और प्रधानमंत्री जी ने सच नहीं बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लोगों के दिलों में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। इस दौरे में आप लोगों ने मुझे पहली बात ये बताई कि आपकी आवाज दबाई जा रही है, आप यूटी बने मगर आपके अधिकार नहीं मिले। दूसरी बात आपने बोली, जो रोजगार के दावे आपसे किए गए थे वो झूठे थे। लद्दाख के कोने कोने में किसी भी युवा से बात करेंगे तो लद्दाख बेरोजगारी का सेंटर है। तीसरी बात, कम्युनिकेशन का सिस्टम यहाँ फेल है। एयरपोर्ट है मगर हवाई जहाज नहीं है। मैंने आपकी बात सुनी, आपकी जमीन, रोजगार, भाषा, कल्चर की रक्षा करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि बहुत से नेचुरल रिसोर्सेस हैं। लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं कि अगर आपको हक देंगे तो आपकी जमीन छीन नहीं पाएंगे। अडानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्टर वो यहाँ लगाना चाहते हैं और आपकी जमीन छीन कर उनको देना चाहते हैं। राहुल गांधी के मोदी सरकार पर आरोप लगाने के बाद सियासत भी तेजी में है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर चुन चुन कर जवाब दिया। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के मोदी सरकार पर आरोप लगाने के बाद सियासत भी तेज हो गई। भाजपा ने कांग्रेस नेता के आरोपों पर चुन चुन कर जवाब दिया। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को चीन की बातों पर बार बार प्यार क्यों मढ़ाता है? ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है? वो बार बार भारत सरकार से टकरार करने को क्यों तैयार रहते हैं? उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुंचाया था। नेहरू ने खुद कहा था कि चीन को बहुत अधिक मात्रा में चावल नहीं भेजे गए, स्पेशल केस होने की वजह से हमने कम मात्रा में ही चावल भेजा है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से मुश्किल मार्ग है, कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन चीन की जरूरतों को देखते हुए हमने थोड़ी बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हुए हैं। ये चावल चीन की सेना के लिए बहुत जरूरी है और हम उन्हें जिंदा रखने में मदद करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि नेहरू ने 35,000 टन चावल चीन को पहुंचाया था। मैं इस विषय पर जवाब चाहता हूँ, पहला कि क्यों दुश्मन देश को रसद पहुंचाया गया और दूसरा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और गांधी परिवार का रिश्ता क्या है, इसको सार्वजनिक करें।
इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे।